बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। दोस्तों, पूरे पंजाब के हर मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए सिर्फ एफए और इंटरमीडिएट की बेस पर जो है वो पटवारी की मुश्किल नौकरी का ऐलान किया गया है और तमाम तहसीलों में जो है वो नौकरी का ऐलान किया गया है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, और परमानेंट जॉब्स हैं। उसकी मुकम्मल तफसीलात और कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना है। ब्राउज़र यूज़ करके आपने टाइप करना है एजुकेटिव्स जॉब्स 2021, ठीक है। आपने ये देख लेना, ये जैसे ही आप लिखेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के कुछ लिंक्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपने सिंपल मेन लिंक के ऊपर एजुकेटिव्स एजुकेशन लर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो एक वेब पेज जो है वो नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा है। अगर ये आपको आइकन इस तरह नज़र नहीं आता और आपको आइकन जो है इस तरह नज़र आता है, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि मोबाइल से भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे इस तरह का मोबाइल पे आपको नज़र आएगा और वैसे जो है आपको सिस्टम पे नज़र आएगा। तो आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक जो है वो ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है पटवारी। तो क्या लिखना है, सिंपल पटवारी, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। पटवारी के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पटवारी किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट नारोवाल पटवारी जॉब्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर पटवारी हसन अब्दाल की जॉब्स हैं, पटवारी जॉब तहसील करोद लाल एहसन जो है वो वहाँ पर जॉब जो है वो असाइनमेंट्स की गई है। फिर उसके बाद जहलम रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहलम पटवारी जॉब्स हैं। उसके बाद पटवारी जॉब्स इन अटक है, पटवारी जॉब्स मानकेरा जो भक्खर है, भक्खर की तहसील है वहाँ पर है, कलरकोट भक्खर उधर की जॉब्स हैं। पटवारी जॉब्स इन नारोवाल, नारोवाल की जॉब्स हैं। उसके बाद पटवारी जॉब्स इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई, देखेंगे पटवारी की 31 हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर भक्खर पटवारी जॉब्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में पटवारी की जॉब जो है अनाउंसमेंट की गई है। तो देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जॉब्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें राजनपुर की जॉब्स हैं, पटवारी जॉब्स लैया की जॉब्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी हैं। यहाँ पर आपके सामने इधर जो है वो मेंशन है कि बराए भर्ती फील्ड स्टाफ है उसके लिए जॉब्स हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इधर देख लीजिएगा कौन सा है, ये तमाम ये देखें, सपोज करें मैं इसको जो है वो देखेंगे खारिया की जॉब्स हैं। देखें यहाँ पर ऑप्शन भी है खारिया, खारिया की जॉब्स हैं। उसके बाद ये सियालकोट की जॉब्स हैं, देखेंगे ये सियालकोट की है, ये लैया है, ये राजनपुर है, ये नारोवाल है। उसके बाद देखें सकते हैं ये राजनपुर की भी हैं ये जॉब्स, फिर ये राजनपुर जो उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए ये अटक की जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सियालकोट की भी ये जॉब्स हैं। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है वो तमाम डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह पर आपको तमाम जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये पसरूर की जॉब्स हैं, उसके बाद ये चिश्तियाँ की है, उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राजनपुर, ये जॉब्स इन फैसलाबाद है, फैसलाबाद की हैं, ये जड़ावाला की जॉब्स हैं, ठीक है, जड़ावाला के लिए ये मियाँ वाली है, मियाँ वाली की जॉब्स हैं। उसके बाद ये जामपुर है, जामपुर के साथ ये राजनपुर है। फिर उसके बाद देखें देख सकते हैं कि ये समंदरी की जॉब्स हैं, ये उसके बाद सरगोधा की जॉब्स हैं। इस तरह आपने जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करते जाना है। तो इस तरह तमाम जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जो है वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद देखें यहाँ पर पटवारी की एप्लीकेशन का तरीका भी फुल जो है वो आपके सामने जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और मेन पेज के ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं ताकि जो है वो हम आपके साथ जो है वो इसकी डिटेल, मैं यहाँ पर जाता हूँ मेन पेज के ऊपर। तो अगर आपको पटवारी जॉब्स की एप्लीकेशन का फॉर्म चाहिए तो वो भी मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे आप मेन पेज के ऊपर जाएंगे तो पटवारी जॉब्स की दरख्वास्त के लिए ये कम्प्लीट जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं पहले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। सपोज करें आपने कोई भी जो है वो ले ली है, आपने सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ये कंप्लीट फॉर्म लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने लिखना है जी टू द असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आया है या तहसील है उसका नाम लिखना है, और आपने जो है वो जो ज़िला है उसका नाम लिख लेना है। फिर आपने यही सेम लिखना है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी, फिर लिखना है डियर सर आई हैव कम, ये बिल्कुल सेम यहाँ पर बिल्कुल सेम आ जाएगा ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपने लिखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है फ्रॉम द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जो कहाँ से आपने किया है, जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, एफए किया या आईसीएस, तो आपने यहाँ पर लिखना है और अपना लिखना है कि कहाँ से किया है। फिर उसके बाद देखें कि आपने ये लिखना है कि आई एम, ये देखें कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ये हमने बनाई है आप सबके लिए। और उसके बाद ये भी लिखना है कि मैं आपको सीवी भी सेंड कर रहा हूँ, दो फोटोग्राफ हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद ड्यूली अटेस्टेड,
ये याद रखिए कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जो है वो सेंड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये तमाम डिटेल लिख के, फिर यहाँ पे आपने लिख देना है अपना अपना नाम लिख देना है, अपने हाउस का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल और ये तमाम डिटेल देखें, ठीक है। उसके बाद इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जैसे ही आप डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इंग्लिश में परफॉर्मा आ जाएगा और ये इसको डाउनलोड करके इसमें जो है वो आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोफेशनल सीवी अगर आपको नहीं बनाने आती तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बना देते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सर्टिफाइड कॉपीज, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो, आपके आईडी कार्ड की कॉपी, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है ये वाले, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन ये वाली लिखी है। तो अगर आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो ये उर्दू में भी मौजूद है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स, इन तमाम को जो है वो आपने जो है वो एक लिफाफे में डालना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपने पोस्ट का नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, और आपने जो है वो मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पर जो है वो आपने सेंड कर देना। आप बाय हैंड भी दे सकते हैं और पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी दे सकते हैं। क्या लिखना है जी? अगर आपने सेंड करना है तो लिखना है असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल। अगर आपका है सियालकोट तो आपने सियालकोट, अगर डस्का है तो डस्का, अगर मुजफ्फरगढ़ है तो मुजफ्फरगढ़, तो आपने असिस्टेंट कमिश्नर आगे वो लिख देना है। इस तरह आप जो है वो यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या है जी। दरख्वास्त जो मैंने आपके साथ शेयर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ अपनी तालीमी काबिलियत, अपने जो सदकानुकूल कौमी शनाख्ती कार्ड, अपना डोमिसाइल, 2 तस्वीरें, इन तमाम को अपने लिफाफे में डालना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपने पोस्ट का नाम लिखना है और अपने मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पर आपने भेज देने हैं। दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो ट्विटर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिटेल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल थी जिसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। तो इस तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो है वो आप एजुकेटिव के साथ जो है वो अपडेट रहें। तो और उसके बाद इसको अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके आप यहाँ पर अपने जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों ये थी आज की हमारी ये कंप्लीट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।